अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो हम सबको चाहिए कि हम एनर्जेटिक रहें, क्योंकि हमें इबादत करनी होती है, सारा दिन भूखा रहना होता है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बेस्ट होममेड रमज़ान प्रोटीन शेक बनाने का तरीका। सबसे पहले हम थोड़े से वॉलनट्स लेंगे और उसे 20 to 30 सेकेंड तक रोस्ट करेंगे पैन में। देन वी विल एड इट टू द बाउल। फिर हम थोड़े से काजू लेंगे और उसे भी 20 टू 30 सेकेंड तक रोस्ट करेंगे और उसको भी हम आफ्टर 20-30 सेकेंड के बाद बाउल में ऐड करेंगे। देन वी विल हैव सम पिस्तास और उसे भी सेम प्रोसेस के साथ 20-30 सेकेंड के बाद बाउल में ऐड कर देंगे। आफ्टर दैट वी विल हैव सम आलमंड्स। देन वी विल हैव सम ड्राइड मेलन सीड और उसको भी 20-30 सेकेंड रोस्ट करने के बाद हम बाउल में ऐड करेंगे। जितना भी हमारा स्टफ़ है सारा हमने 20-30 सेकेंड तक ही रोस्ट किया है। फिर हम लेंगे 2 खजूरें, 2 अंजीर एंड वी विल कट इट टू द पीसेस और उसे भी बाउल में ऐड कर देंगे। देन वी विल हैव 1 एवोकाडो और उसके भी हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और ये हमारा प्रोटीन शेक का स्टफ़ हो गया है तैयार और इसे हम ब्लेंडर मशीन में ऐड करेंगे और उसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। फिर हम उसे 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करते रहेंगे। एंड आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे एवोकाडो और अगेन फिर हम इसे 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड करते रहेंगे। फिर हम 1 टेबलस्पून हनी दोनों बाउल्स में ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने ये शेक 2 लोगों के लिए बनाया है। सो वी विल ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी और ये हमारा प्रोटीन शेक हो गया है तैयार। एज यू कैन सी मैं ऐड कर रही हूँ इसे बाउल में। सो इट वाज वेरी इजी टू मेक एंड इट्स वेरी हेल्दी। रमज़ान में भी आप इसे ज़रूर पिए, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। और रमज़ान के अलावा भी आप इसको आम रूटीन में भी लें, बिकॉज इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ डू ट्राई इट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग